बिग बॉस 17 का थर्ड वीक स्टार्ट हो चुका है और थर्ड वीक स्टार्ट होते ही घर में काफी ज्यादा हलचल देखने को मिली और इस हलचल की वजह है नॉमिनेशन। जी हाँ, घर में नॉमिनेशन पूरे हो चुके हैं और कंटेस्टेंट के नाम सामने आ चुके हैं कि इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए कौन कौन नॉमिनेटेड है। वेल, हर बार नॉमिनेशन के टाइम पे कुछ कंटेस्टेंट ऐसे होते हैं जो गेम खेल जाते हैं और इस बार ये गेम खेला है विकी और अंकिता ने। जी हाँ, दोनों ने मिलकर सना को डाल दिया है नॉमिनेशन में और फिर क्या सना का दिमाग बौखला गया है और वो काफी ज्यादा चिड़ी हुई नजर आ रही है। वेल, इस बार भी बॉटम टू में सना रईस खान ही थी तो लोग अंदाजा लगा रहे हैं घर के अंदर कि इस बार तो पत्ता सना का ही कटेगा। आपको बता दें, जो दूसरा नाम है वो अनुराग डोभाल का है। जी हाँ, सभी के बाबू भैया, वो अक्सर सोते ही नजर आते हैं घर के अंदर, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता और इस बात पर सलमान खान ने भी वीकेंड के वार पर उनको टोका था। ये बात कहीं ना कहीं लोगों के जहन में रही है घर के अंदर और इसी वजह से कर दिया उनको नॉमिनेट। वहीं जो अगला नाम सामने आया है वो नाम है मनस्वी। जी हाँ, अभी अभी वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर घर के अंदर आई है मनस्वी और मनस्वी अभी दम वाले घर में रह रही है और आते ही लोगों ने उनको नॉमिनेट कर दिया क्योंकि लोगों को लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा वीक कंटेस्टेंट है और घर में रहने के लिए डिजर्व नहीं करती है, तो बस कर दिया उनको नॉमिनेट। इस बार बिग बॉस ने वाइल्ड कार्ड वालों को भी सेफ नहीं किया है। आते साथ ही मनस्वी के साथ ही समर्थ का नाम भी सामने आ रहा है जो कि नॉमिनेट हुए हैं। वहीं अनुराग की पूरी ग्रुप यानी कि अचानक भयानक और तहलका भाई भी इस बार नॉमिनेशन से नहीं बच पाए। लास्ट टाइम भी तहलका भाई आए थे नॉमिनेशन में और इस बार भी फिर से आ गए हैं। लास्ट टाइम उनको सलमान खान ने जगाया था कि उनको गेम खेलना स्टार्ट कर देना चाहिए। उनके नाम के हिसाब से वो घर पे कुछ भी नहीं कर रहे। इस पर उन्होंने कहा था कि अब वो तहलका मचा देंगे, लेकिन अभी भी वो सोते हुए ही नजर आ रहे हैं। उनकी गेम काफी ज्यादा ठंडी हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि इस बार घर से बेघर होने के लिए जिसको सबसे ज्यादा डर सता रहा है वो है सना रईस खान और नॉमिनेशन के बाद ही वो काफी ज्यादा उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो काफी ज्यादा बौखला गई हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। जाहिर सी बात है कि वो अभी घर नहीं जाना चाहती है, लेकिन लास्ट टाइम के रिजल्ट के हिसाब से लोग ऐसा ज्यूम कर रहे हैं घर के अंदर कि इस बार वो ही जाएंगी। वहीं बात करें बाबू भैया की तो घर के अंदर वो तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन बाहर उनके फैंस उनके सपोर्ट में हैं और उनको बाहर के कॉम्पिटिशन्स में सब कुछ जिता रहे हैं, तो वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके चहीते बाबू भैया घर के अंदर भी अच्छा गेम खेले और डंके की चोट पर गेम खेले। वेल, नॉमिनेशन को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए आज ही फिल्म बीट को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर भी हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।